हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि यह है क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स, जो कि क्लास नाइन्थ का मैं पहला बार वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या है यहां पे, और आप लोग को बताते चलूँ कि आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ का जो है सो एक क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा, जो कि आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होंगे। तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है। 0.6 पे रेकरिंग, इसको यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है इसको रेकरिंग कहा जाता है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ में ही नहीं काम देगा, बल्कि आपको क्लास टेंथ में भी ये क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव में, और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है इसको। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि ये जो आपका 0.6 पे रैकरिंग है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 पे रैकरिंग। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि 0. और ये जो अंक जिस पे रैकरिंग है वो अनंत बार आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 times लिख लेते हैं, उसके बाद डॉट 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 इंडिकेट कर देते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि ये अनंत बार आएगा, और इसका कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे रूल क्या होता है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक है तो दशमलव का बदला 1 लिया जाता है, और जितने भी अंक है उतने 0 लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 पे रैकरिंग है, तो इसके बदला 1 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो जब हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66। अब इसमें एक और क्या करेंगे, ये अनंत टाइम आ रहा है तो एक और 6 निकाल लेंगे, और यहाँ उसके बाद डॉट 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 कर देंगे, और इसको कर लेंगे इक्वेशन 2। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2 - 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन 2 अगर देखिएगा तो क्या है 10x, और इक्वेशन 1 में अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है x। तो इसमें से हमको सबस्ट्रैक्ट करना है, इसलिए घटाव का चिन्ह हो गया। उसके बाद इधर देखिएगा 6.666 डॉट 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 माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10x - x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट के बाद जो भी अंक है वो सेम टू सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पॉइंट के बाई ओर। तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6। तो आगे हम लोग देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। तो अगर इसको अगर काट दिया जाए तो 2 के पहाड़ा में 6 तीन बार में आता है, और 3 के पहाड़ा में 6 दो बार में आता है, और 9 3 बार में, इसलिए 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है सो आपका सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसको जो है सो सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ वाले ही नहीं, क्लास टेंथ वाले भी इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न हम लोग। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया है, 0.34 पे रैकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को x के बराबर मानना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना x बराबर 0.34 to the power रैकरिंग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अगला स्टेप होगा x बराबर वो क्या हो जाएगा 0.34। तो जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा था कि 0.6 था, तो हमने क्या किया था, तो 3 बार 6 6 6 लिख लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 ठो पे रैकरिंग है, इसलिए दोनों अंकों को हम लोग लगातार लिखेंगे, यानी 3 4 3 4। अब उसके बाद इसको कर लेंगे इक्वेशन 1। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको अब कितना से गुना होगा, 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाता हूँ, 100 से गुना करने पर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद 2 ठो अंक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 ठो 0 बढ़ जाएगा, इसीलिए 100 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 से इसको गुना करेंगे तो 100x बराबर, यहाँ पे अगर इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 34.343434, ये हो गया समीकरण 2। तो क्या करेंगे अब हम लोग, समीकरण 2 - x से।
तो समीकरण दो माइनस एक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, समीकरण दो में से एक घटाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 100x है, उसके बाद माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.34343434, उसके बाद माइनस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद माइनस में आपका क्या है 0.343434 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से एक घटा लेंगे तो हम लोग के पास 99x बच जाएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद दोनों में सेम टू सेम है, इसीलिए क्या हो गया आपका कैंसल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया आपके पास 34, तो x बराबर हो जाएगा आपका 34/99। तो अगर यहाँ पे अगर ये कटता तो इसको काट दिया जाता, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसीलिए आपका यही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे इस चैनल पे। मैं फिर से आप लोग को प्रश्न संख्या एक दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न संख्या दो दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर हमारे हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।